तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दानिश टेक। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको अनबॉक्सिंग देने वाला हूँ रेडमी का, रेडमी 9 पावर, जो कि नाम में ही पावर है। तो उसका 6000 mAh बैटरी है। तो चलिए सबसे पहले मैं उसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, फिर मैं सारा उस पर स्पेसिफिकेशन, प्राइस पॉइंट, सारा चीज़ मैं उसका बताने वाला हूँ। तो चलिए आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ MI का रेडमी का 9 पावर, जो कि 4GB 64GB में ब्लैक कलर है। तो चलिए सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने उसका अनबॉक्सिंग देख लिया, सारा देख लिया, तो मैं उसके रैम रोम प्राइस पॉइंट स्पेसिफिकेशन सारा चीज़ मैं बता दूं। तो वो रैम में देख लीजिए, तो वो 4GB 64GB वेरिएंट है, जो उसका 6128 भी आता है। मैंने जो अनबॉक्सिंग किया वो 4GB 64GB वेरिएंट में था। बात करें अगर उसके डिस्प्ले की, तो 6.52 इंचेस का उसका HD फुल HD प्लस डिस्प्ले है। मैं उसके बैटरी की बात करूं तो नाम में ही पावर है, तो जैसे कि 6000 mAh उसका बैटरी और 18 वाट का फास्ट चार्जर है। तो कैमरे की बात अगर की जाए तो उसमें क्वाड कैमरा का सेटअप है, 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल उसका वाइड एंगल का कैमरा, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर। अगर सेल्फी की बात करें तो 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। बैटरी और प्रोसेसर की बात की जाए, अगर बैटरी तो मैंने बता ही दिया, प्रोसेसर की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन का 662 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, जो कि एक डिसेंट और अच्छा प्राइस पॉइंट में बहुत बढ़िया फ़ोन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी है इसका। और अगर इसके बात की जाए, अगर हेडफोन जैक है इसमें 3.5 mm का, टाइप सी का चार्जिंग है, जो कि 18 वाट का फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है ये फ़ोन। और बात की जाए अगर इसके एंड्रॉयड वर्जन के, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 10 मिलेगा। फ़ोन की वेट की बात की जाए तो 198 ग्राम इसका फ़ोन का वेट है, जो कि ना बहुत हल्का और ना बहुत भारी, एक नॉर्मल सा वेट है। अगर बात की जाए फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो फ़ोन बढ़िया परफॉर्म करता है। और इस प्राइस पॉइंट में मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि Redmi 9 Power, अगर आप MI यूज़र हैं, MI UI के बारे में जानते हैं, थोड़ा तो वो लैग करता ही MI UI, तो अगर वो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर जैसे कि ओप्पो का कलर वो सब आता है, तो वो सब में आपको कोई भी लैग वैग का जल्दी प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन MI UI थोड़ा हेवी है MI UI, क्योंकि इसमें फंक्शन सब भी ज़्यादा है, इसके लिए थोड़ा लैग करता है। अगर आप MI UI यूज़र हैं तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं इसे। और मैं इसके प्राइस पॉइंट के बारे में नहीं बताया, मैंने इसके प्राइस पॉइंट में बता देता हूँ। इसका जो 4GB 64GB वेरिएंट है, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग किया, वो 11,499 का था।
और अगर बात की जाए इसके 6GB 128GB वेरिएंट के बारे में तो वो 13,499 का आएगा और 4GB 64GB 11,499 का आएगा। इसका प्राइस बढ़ गया है 5,500। इसका 11,000 था, उसका 13,000 था, लेकिन प्राइस बढ़ गया इसके लिए। फिर भी ये वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। अगर किसी को खरीदना हो, किसी को बाय करना हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो बस ऐसे ही प्यार बनाए रखें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। तब तक के लिए बाय।